सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक ऐतिहासिक दिन है, बिकॉज आज मैं अनलॉक करने वाला हूँ पाउचेस, बिकॉज मैं शेल्कर बॉक्स से बोर हो चुका हूँ। आई मीन उसको नीचे रखो, उसमें आइटम डालो, फिर उठा के अपनी इन्वेंट्री में रखो, उससे बेटर पाउचेस है जो कि इन्वेंट्री के अंदर ही ओपन हो जाते हैं। ऊपर से उसके आगे जाके अपग्रेड्स आते हैं जिससे तुम हजार हजार के स्टैक अपने पाउच पे रख सकते हो, एंड गिरे हुए आइटम वो ऑटोमेटिकली उठा के बैग में डाल देगा, जो कि कई गुना बेटर है शेल्कर से। इसलिए तो ठीक है, इसी में अपन अपना पहला नॉलेज पॉइंट इन्वेस्ट कर देते हैं। बट ये सब करने से पहले मुझे वॉल्ट में जाके थोड़े से नॉलेज एसेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, सो लेट्स गो, अपन पहले वो करते हैं। शहद की बाल्टी लेके क्यों घूम रहा हूं मैं? हेलो, ओके, तो मैंने एक सभ्य इंसान जैसे पानी की बाल्टी ला ली है, सो अभी लेट्स गो। एक और चीज है, मैंने अपना गेम ना 5th वर्जन में अपडेट किया है, जिसके कारण ये जो बिगिनर्स ग्रेस है ये 10 लेवल की जगह 19th लेवल तक रहेगा, बिकॉज कुछ तो ग्लिच है जिसके कारण जाने अनजाने में ये वाला फीचर 5th वर्जन में आ गया है, जो कि आई थिंक 5.1 वाले हॉटफिक्स या फिर 6th वर्जन में मॉड्स हटा देंगे, लेकिन जब तक नहीं हटता तब तक अपन इसका फुल फायदा उठाएंगे और घुस घुस के वॉल्ट हंट करेंगे। चाचा जी, तुम्हें को तो ढूंढ रहे थे हम, अभी ये वाली जो वॉल है ना, ये पूरे वॉल्ट के रूम में मुझे ढूंढनी है, बिकॉज नॉलेज स्टार बनाने के लिए आई थिंक मुझे 16 बेनिटाइट चाहिए। सो ये वाली वॉल मुझे जहाँ देखी वहाँ मैं माइनिंग के लिए घुस जाऊंगा, एंड यहाँ पे कोई तो पिंकी कलर की रेयर और भी है। ओ उपलिन है, पता नहीं किस काम में आने वाली, छोड़ो फिलहाल अपन लूटिंग पे फोकस करेंगे। अरे भाई हटो, माइन करना तो मेरे को शांति से, क्या है ये, ऐसे चिपकू पना नहीं करने का। बगो यहाँ से, क्या स्पेशल रूम है, क्या स्पेशल रूम है, ए स्पेशल रूम है, नाइस। ओ नो, मां कसम, ए दूर 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 दूर, भाई साहब क्या स्पेशल, क्या है ये रूम में? अरे बाप रे, इतना पिटने के बाद मेरे को पता चला कि ये स्पेशल है, ये छत पे लटकते ओर्स, बट ठीक है आई गेस, चलता है, बिकॉज इतने सारे बेनेटाइट मिल रहे हैं यहाँ पे कि आई थिंक आराम से अपना नॉलेज स्टार बन जाएगा, मे बी दो भी बन सकते हैं अगर अपन फॉर्चून 3 में लकी निकले तो। अरे काय 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 जरा काय काय, भाई साहब एक तो चिड़ियाओं के साथ खेलना एक अलग ही हेडेक है। वी सर्वाइव्ड, अच्छी बात यह है कि अपन लेवलअप हो गए, लेकिन उतना कुछ इंटरेस्टिंग वॉल्ट नहीं था ये। लेकिन ये क्या है, मॉब्स अनअलाइव्ड, अनअलाइव्ड क्या होता है भाई, स्लैंग वर्ड यूज्ड ऑन सोशल मीडिया ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट है। ओके, अपन इसको चुपचाप बंद कर देंगे, अपन ने कुछ नहीं देखा, अपन चुपचाप अपना नॉलेज स्टार बनाने के लिए जाएंगे। तो नॉलेज स्टार की कोर के लिए अपन को चाहिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनी, ओ इट्स बेनी तोइते, आई थॉट इट्स बेनी टॉयट, बट वो बेनी तोइते निकला, ठीक है। अपने पास ढेर सारे बेनी तोइते और है, उससे अपन ढेर सारे बेनी तोइते बनाएंगे। क्या अजीब सा नाम है यार ये बोलने में, पर ठीक है, जिसका जैसा नाम अपन उसको वैसे ही बुलाएंगे। लेट्स गो, पाउच की रिसर्च अनलॉक, एंड अभी पाउच की रेसिपी है ब्लैक डाई एंड पाउच, व्हाट, ओके पाउच की रेसिपी है, ओके ओके ओके। तो इसमें परफेक्ट लारीमार 3, 2 वॉल्ट एसेंस, 2 मैजिक सिल्क एंड मैजिक सिल्क ब्लॉक, व्हाट भाई, तो महंगी रेसिपी बन गई यार, बट इट्स ओके, आई मीन ठीक है अभी महंगा है, लेकिन रिफिल अपग्रेड लगाते से वो जब ऑटोमेटिकली ब्लॉक पिक करने लगेगा, सो दैट वुड बी अ ग्रेट विन विन राइट। लेकिन इसको बनाने के लिए व्हाट इज पॉग, ओ मैन भाई इसमें से कुछ भी नहीं है मेरे पास, एंड इसको यूज करने के लिए डबल पाउच रिसर्च चाहिए। ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं, आई मीन रिसर्च अनलॉक कर दिए तो अभी बनाना तो पड़ेगा ही, तो एक नए डिजाइन का शेल्कर बॉक्स समझ के रख लेंगे अपने पास, और क्या ही कर सकते हैं अभी। एंड मेरे वे पॉइंट क्यों गायब हो गए भैया, मैंने वर्जन अपग्रेड किया बस गेम का, तुमने तो मतलब मेरा मैप ही उड़ा दिया। अभी कहाँ गया वो विलेज, यहीं कहीं था शायद, यही वाला विलेज है, यप यही विलेज है, ओके। एंड यहाँ पे है अपने हेलो छोटे छोटे रैबिट्स जिनसे अपन पाउच बनाएंगे, लेकिन ये इनको बिल्कुल मत बताना, हाँ तुम गाजर खाओ, हाँ लो तुम्हारे गाजर लाते, ए हट हट गाजर से दूर, गाजर से दूर, हेलो कुछ कुछ ये ले गाजर खाए ना, अपना ग्रोथ टाइम बड़ा नहीं, अरे यार ये बंदे की आवाज ही नहीं आती यार, ए नहीं 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 उधर से नहीं, अरे यार ये बंदे के कारण मेरे सारे खरगोश भाग गए, ये बंदे का वॉल्यूम ना एकदम टॉप पे रखना पड़ता है ताकि दूर से इसकी आहट सुनाई दे दे। लो भाई बड़ी मेहनत लगी तुमको अंदर लाने में, सो लेट्स गो। ओ कितने छोटे से पिल्लू है, एंड अभी इट्स किलिंग टाइम। ले भाई गाजर खा के बड़ा हो, बिकॉज तेरे पापा तो पाउच बन गए। Man, that sounds bad. Oh, ये वाले अपडेट में कैमल भी आए हैं क्या? हेलो, मैं बैठू क्या तेरे ऊपर? नहीं बैठने देने यार, मे बी सैडल लगता होगा इसके लिए, बट वाओ कैमल इसमें नाइस। ओह ये क्या है, ओह सैडल मिल गया, नाइस, लेट्स गो, अभी अपन कैमल राइड करेंगे, लेट्स गो। कैमल किधर है लेकिन, यो लेट्स गो, भाई साहब क्या चलता है, लेट्स गो। ओ सॉरी गलती से डैश लग गया तेको। भाई दौड़ता एक नंबर है तू, लेकिन क्या ये हल्लू हल्लू रिवर्स, थोड़ी स्पीड बढ़ाना रिवर्स की ना, तेको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ऐसे स्लो रिवर्स वाले लोग नहीं चाहिए भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं देखी क्या,
200 की स्पीड पे रिवर्स मारते हैं वो लोग। वो उधर एक अलग ही थॉर का चेला बैठा है यार, बिजली गिराया जा रहा तब से। माँ कसम भाई, ये पैर में मोजे पहन के घूमता है कि आवाज क्यों नहीं आती इसके पैर की। ए बाबा सस्ते थॉर रुकने यार, तू थोड़ा लूटने दे मेरे को, मेरी लाश तो लूटने दे भाई। क्या बंदा है, इधर देखो एक बार का मार के फिर ही लाश लूटना पड़ेगा मेरे को। इधर ऊपर क्या भागता है भाई, है इधर इधर भाई, हाइट का प्रॉब्लम है मेरे को, इधर आना भाई। मैं कॉम्प्लेन बॉय नहीं हुआ। ए दूर, ओके जब तक दूर है तब तक पट्टा पट लूटेंगे भाई साहब। क्या गेम खेल रहा हूँ मैं, अपनी लाश लूटने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ रहा है। वाओ लेट्स गो, एक और वॉल्ट रन करके आएंगे। इस बार जितनी ज़्यादा हो सके मैजिक सिल्क ढूंढनी है, बिकॉज वही एक चीज़ कम पड़ रही है पाउच बनाने के लिए। यार ये वाला रूम ना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। आई मीन यहाँ पे ढेर सारे वॉल्ट स्टोन हैं एंड इतने सारे क्रोमेटिक आयरन ओर है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब सब जगह जो भी दीवार में देखो बस क्रोमेटिक आयरन ओर ही दिख रहे हैं भाई। क्या सिर्फ इसी का रूम है क्या, और कोई और नहीं मिलने वाला है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है भाई, ये बड़ा होपलेस रूम है। ए कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ है, कहाँ है? ओए ऊपर कुछ तो है, एक स्पॉनर मिला, नाइस। भाई साहब क्या फालतू इंसान हूँ मैं। ये वाले रूम में मैंने 10 मिनट वेस्ट किए ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कुछ नया मिलता है क्या, एंड मिला भी क्या, स्पॉनर। शी भाई चेस्ट तो दे दो यार एक हाथ, क्या है ये? ठीक है, आई मीन मुझे एक स्पॉनर तोड़ने का मौका मिला, लेकिन भाई साहब क्या ही घटिया रूम था वो। आई मीन मैंने लिटरली एक एक दीवार चेक की ये होप में कि एक हाथ स्पेशल और तो मिलेगा वहाँ, लेकिन कुछ नहीं। आर यू किडिंग मी भाई, तो अभी क्यों मिल रहा है जब 5 मिनट बचे? भाई साहब क्या ही घटिया किस्मत है मेरी, एक रूम में मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया एंड ये स्पेशल रूम अभी मिल रहा है मुझे। वाओ सैडली अपना लेवल अप नहीं हुआ, बिकॉज वेल मैजिक सिल ढूंढने के अलावा अपन अलग ही टाइम पास कर रहे थे, सो आई गेस अपन को एक और बार वॉल्ट रन करना पड़ेगा। भाई तू कहाँ से निकल के आया? बेटा दीवार के अंदर चेस्ट छुपा के रखे तुमने, तुमको क्या लगा पता नहीं चलेगा मेरे को? वो यहाँ से रास्ता है। बेवजह दीवार को दी मैंने। भाई 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 तुम्हारी तादाद थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? हेलो, अरे रुको ऊपर भी बैठे हैं भाई, कितने लोग हैं यहाँ पे? एंड मैं कुत्ते को क्यों मार रहा हूँ, कौन है यहाँ पे कुत्ता? अच्छा ये रैत है भाई, अलग ही है ये, मतलब गिल्टी फील कराती है कुत्ते की आवाज़ निकाल के। अरे भाई हटो यहाँ से, एक तो अलग ही बंदा है यार ये, अलग अलग बेचारे जानवर की आवाज़ निकाल के गिल्टी फील कराता है, हद हो गई यार। अरे हटो भाई सामने से, कितने लोग आओगे? ओके ठीक है, वहीं पे रहो वहीं पे रहो, स्पॉनर के सामने कोई नहीं आना प्लीज़, मेरे को तोड़ने दो बस, एक नंबर। ठीक है तुम वहीं पे खड़े रहो, थोड़ी मेरे को चेस्ट लूटने दो, बाद में तुमसे निपटता हूँ। ओ बेटा इतना मालटाल भर के रखा था यहाँ पे, अबे पॉइजन ऐसा कैसा मालटाल है ये घटिया सा? इज दिस स्पेशल रूम, इज इट? आई थिंक इट इज, बट क्या है ये, क्या करना क्या है यहाँ पे? कुछ मेरे को चेस्ट वेस्ट कहीं दिख नहीं रही है, एग्जैक्टली है क्या ये? ये क्या फ्लोट हो रहा है? स्किल शार्ड, यू डोंट हैव इनफ वॉल्ट सिल्वर। वो ये दुकान है क्या ये? ओ नाइस, ओके वॉल्ट स्वॉर्ड, ओ वॉल्ट स्वॉर्ड खरीद सकते हैं अपन यहाँ से, नाइस ओके। वॉल्ट गोल्ड, ए भाई साहब गोल्ड अपन ने ढेर सारा लूटा है ना, कहाँ है वो? यो लेट्स गो, स्वॉर्ड मिल गई, प्लीज कोई अच्छी स्वॉर्ड निकलना। एंड ये ले सकते क्या अपन? नोप गोल्ड खत्म हो गया। ओके भाई कुछ भी नहीं है क्या यहाँ पे, क्या है ये जगह? बस ये दुकानें भी लगी हुई है सब जगह, एक तो चेस्ट रखो। ओह दरवाजा, वाह रे वाह, क्या दरवाजा है ये? अरे कुछ तो रखे इसके पीछे, छोड़ो अपन चुपचाप ये आलू की टोकरी चोरी करके भागेंगे यहाँ से। ये लेवल अप हो गए अपन, लेकिन अभी भी इतना मैजिक सिल्क नहीं मिला कि अपन पाउच बना पाए। यार ये तो ये पाउच की रेसिपी महंगी है, या फिर अपन को एक के बाद एक घटिया वॉल्ट मिलते जा रहे हैं। आई थिंक इट्स द फॉल्ट ऑफ वॉल्ट, सो मैं चूज करूंगा ऑप्शन बी। ये अपन इमेजिनरी 5 करोड़ रुपए जीत गए, अभी चुपचाप वॉल्ट में जाके अपन मैजिक सेल चोर के लाएंगे। स्कैवेंजर वॉल्ट मिला है, तो अपन को एम्प्टी जार, रिप्ड पेज एंड क्रैक्ड स्क्रिप्ट ढूंढना है। भाई यहाँ पे जादुई कपड़ा नहीं मिल रहा, 3 वॉल्ट हो गए, तुम मेरे को एक खाली फटी एंड टूटी हुई चीजें ढूंढने लगा रहे हो, कमाल हो गया। ये देखो फटा वाला पेज पहले मिल गया। भाई मेरी जो किस्मत है ना, वो ओम शांति ओम के डायलॉग के एकदम अपोजिट है। जो चीज मैं दिल से चाहता हूँ ना, वो पूरी पूरी कायनात उसको छुपाने में लग जाती है। भाई मैजिक सिल्क दोनों यार, क्या है ये, फटे फटे पेजेस दे रहे हो तुम इसको। अभी 12 लेवल चाहिए, अरे राम 2 लेवल कम पड़ गए। मतलब मैजिक सिल्क के साथ अभी 2 XP भी ढूंढना है। ठीक है वो तो जल्दी मिल जाएंगे। ले भाई तू पहले तेरा फटा पेज ले, नाच उसको लेके। एंड अपन अभी इसको 2 XP दे के किसी का तो भी आशीर्वाद लेंगे। कौन दे रहा भाई आशीर्वाद अभी? कौन दिया है? टीनोज आशीर्वाद। अच्छा टीनो ने अपना आशीर्वाद दिया, सही बात है, उसका आशीर्वाद लेके अपन धन्य हुए, लेकिन उसके बाद भी अपन को मैजिक सिल्क नहीं मिला है। भाई टीनो कैसा आशीर्वाद दे रहे हो तुम, हाँ एक चीज़ भी नहीं मिल रही तुम्हारे आशीर्वाद के बाद भी, व्हाट इज दिस? अभी तुम मैजिक सिल्क तो दे नहीं रहे हो, तो टीनो भाई तुम्हारे मंदिर के ना मैं सिक्के चोरी करके देखे जा रहा हूँ। आई मीन कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना मेरे को,
तो जहाँ तुम हो वहाँ बैठ के खुश रहो एंड मैं तुम्हारे ये सिक्के ले जाके खुश रहता हूँ। मिला मिला मिला, फाइनली मैजिक से ए दो दो मिले। टीनू भाई का आई थिंक ईगो हर्ट हो गया उनके सिक्के चोरी किए तो। टीनू भाई ऐसे ही मेरे को ढेर सारे मैजिक सिल देते रहो, पक्का प्रॉमिस है तुम्हारे आज के बाद सिक्के चोरी नहीं करूँगा। एक और भाई साहब अभी क्या लाइन से मिल रहे भाई। टीनू भाई यार तुमने अगर यही चीज़ पहले कर दी होती तो तुम्हारे सिक्के बच गए होते। और इसमें क्या, अरे यार कितना अच्छा होता अगर इसमें होता, लेकिन ठीक है अपन ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। अपन को 3 मैजिक सिल्क मिल गए, आई थिंक इतने इनफ होंगे पाउच बनाने के लिए, नहीं रहेंगे तो फिर से आना पड़ेगा टीनू भाई के सिक्के चोरी करने के लिए। अभी सिल्क कितना है मेरे पास, 4 मेरे इन्वेंट्री में। प्लीज़ भाई इनफ हो जा, प्लीज़ भाई इनफ हो जा, 8-12 हो गया, इनफ हो गया। ए भगवान एक पाउच के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो परफेक्ट लारी मार 3 और वॉल्ट एसेंस 2, ओके ठीक है वॉल्ट एसेंस 15 रखे मैंने, बट ठीक है देखो परफेक्ट लारी मार। कहाँ सपने देखे थे मैंने कि 2 पाउच बनाऊंगा, यहाँ पे एक ही बड़ी मुश्किल से बन रहा है, पर ठीक है फाइनली बन रहा है। मेरी आंखों से पानी आ रहा है, पानी रुक ही नहीं रहा, फाइनली अपन ने एक पाउच बना लिया। अभी इसको अपन एक एक्स्ट्रा शेल करके जरा यूज करेंगे बिकॉज अपग्रेड के लिए अपने पास नॉलेज नहीं है। ओके तो अपन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे एंड एक ताली बजाएंगे मेरे बेवकूफ़ी के लिए। बस 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 इतना काफ़ी है। तो बात ऐसी है कि आई थॉट कि ये जो गिरे हुआ आइटम है ना इसको ऑटोमेटिकली उठा के पाउच में डालने का काम ये रिफिल अपग्रेड करता है, जिसके लिए डबल पाउच रिसर्च है। लेकिन भाई कहानी तो कुछ और ही थी, वो काम एक्चुअली पिकअप अपग्रेड करता है जिसके लिए कोई रिसर्च नहीं चाहिए। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बाकी का पूरा गेम इतनी मेहनत से बनाए हुए मेरे पाउच को शेल्कर बॉक्स की तरह यूज करते घूम रहा था, लेकिन मैंने एक अकलमंदी वाला भी काम किया, मैंने एक मैग्नेट बना लिया। बेल्ट स्लॉट में लगाना है ना इसको, लेट्स गो। एंड अभी आई थिंक इसको गिराते से ही ये मैग्नेट का मजा, कुछ भी अभी इन्वेंट्री से मैं गिरा नहीं सकता, ऑल थैंक्स टू दिस मैग्नेट जो कि ड्यूरेबिलिटी खा रहा है भाई साहब। मजे मजे में ड्यूरेबिलिटी कम कर रहा हूँ बेचारे मेरे मैग्नेट की। अभी मेरा पाउच बनके रेडी है, सो टेक्निकली मुझे ये वीडियो यहीं पे एंड कर देना चाहिए, लेकिन ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो लेट्स गो, एक पाउच को यूज करके अपन वॉल्ट रन करके आते हैं। व्हाट व्हाट द फक इज दिस, क्या है ये, कॉर्प्स ऑफ क्रेबैड्स भाई, हड्डी बना दी मेरी, व्हाट। इतनी डिटेलिंग नहीं करना था भैया तुमको, भाई साहब अजीब ही लग रहा है उसको देख के मेरे को। बट सही ठीक है, आई मीन लॉजिकली इट्स करेक्ट कि हाँ भाई कुछ दिनों बाद अपन हड्डी बन जाते हैं, ठीक है इतना भी देखिए लॉजिक नहीं डालना था माइनक्राफ्ट में। ओके ये बन गया रेड, ये बन गया ब्लैक, एंड अभी अपन अपने पाउच को कलर करेंगे ब्लैक। पट्टा नहीं, अपन को पूरा का पूरा पाउच चाहिए। यस पूरा पाउच ब्लैक रहेगा एंड उसके बाद फिर उसका पट्टा लाल कलर का रहेगा। यो पता नहीं इतना छोटा दिखने भी वाला है क्या, लेकिन वाओ कहाँ कुछ कहीं तो भी लगा दिख रहेगा। ए पैर पे दिख रहा है ये, क्या सही दिख रहा है वो काला पाउच एंड उस पर लाल पट्टा, नाइस। ओके अभी अपन वॉल्ट रन करने जाएंगे, लेकिन अंदर जाने से पहले आई एम थिंकिंग कि अभी टाइम आ गया है अपने 2 स्पेंड स्किल पॉइंट यूज़ करने का। सो आई एम थिंकिंग मे बी अपन गोस्ट वॉक ले सकते हैं, ये 2 स्किल पॉइंट में से एक हाथ तो यूज़ करना पड़ेगा ना अपन को। सो देखो प्रॉब्लम ऐसे एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, जैसे गोस्ट वॉक है, गोस्ट वॉक मेरे को बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपन को इनविजिबल कर देता है कितने टाइम के लिए, 4 सेकेंड के लिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं है वॉल्ट में जहाँ पे मेरे को भागना पड़े, बिकॉज आई थिंक अपन अभी बिगिनर लेवल पे है ना, बिगिनर लेवल पे उतने स्ट्रॉन्ग मॉब आ नहीं रहे हैं। सो मे बी अभी से ये वाली एबिलिटी अनलॉक करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई एम थिंकिंग क्यों ना हेस्ट या फिर स्पीड, नहीं हेस्ट नहीं, स्पीड किया जाए, बिकॉज इससे अपन ज़्यादा रूम जल्दी कवर कर पाएंगे ना। एक और ऑप्शन है मेरे पास कि मैं स्ट्रेंथ ले लूँ, लेकिन अगेन मॉब्स में को उतना प्रॉब्लम नहीं देने, तो आई थिंक फिलहाल के लिए अपन स्पीड ले लेंगे एंड बाद का स्किल पॉइंट में भी स्ट्रेंथ या फिर गोस्ट वॉक या फिर माना शील्ड में लगा देंगे। फिलहाल के लिए इट्स गुड, बिगिनर्स ग्रेस लिविंग एंड चंकी पांडे, बट चंकी मॉब्स, अच्छा मॉब्स लग गया मेरे को लगा चंकी पांडे कहाँ से आ गया ये गेम में, अरे राम ये घटिया वाला रूम फिर से आ गया। ओके यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से भागेंगे। अभी तुम अगर मेरे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो मैंने अपना मिनी मैप ना बड़ा करके रखा है, ये इसलिए बिकॉज इसी रूम से मैं बाजू वाले रूम को देख सकता हूँ कि वो स्पेशल रूम है या नहीं है। सो इजी तो होता है इससे स्पेशल रूम ढूंढना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा करने के बाद से मुझे बड़ी मुश्किल से स्पेशल रूम मिलते हैं। सो किस्मत की बात है आएगी स्पेशल रूम मिलना। ओ भाई क्या इजी है यार पाउच को यूज़ करना, मतलब नीचे रखने की ज़रूरत ही नहीं शेल्कर जैसे। यार काश मैं शेल्कर की जगह ढेर सारे पाउच लेके घूम पाता, काश, लेकिन उसकी रेसिपी सोच के मेरे को पसीने छूटते कि नहीं भाई एक बना लिया वो काफ़ी है, अभी इससे ज़्यादा और नहीं हो पाएगा हमसे।
लेवल अप नहीं हो पाया, लेकिन आई थिंक अपने पास इतने बहने तोते हो गए हैं कि अपन एक और नॉलेज चार बना पाए। एक नॉलेज पॉइंट तो मिल गया, लेकिन आई हैव नो आइडिया कौन सा रिसर्च अनलॉक करना है। तो सजेस्ट मी कि नेक्स्ट मैं कौन सा रिसर्च अनलॉक करूँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि स्टोरेज का कोई तो करना चाहिए मैंने, लेकिन कौन सा वाला स्टोरेज मेरी सबसे ही ज़्यादा हेल्प करेगा उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो लेट मी नो कि कौन सा करना चाहिए। फिलहाल के लिए ये वाला एपिसोड अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।